लड़के दिमाग से सोचते हैं और लड़कियां दिल से। लड़के गलतियां नहीं दोहराते, वो गलतियों को सुधारते चले जाते हैं। पर लड़कियों को धोखा भी मिले तो भी वो फिर से वही काम करती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ज़्यादा दिल की सुनती है। दिमाग एक्सपीरियंस से तेज़ होता है, दिमाग से सोचने वाला सही गलत को समझता है, पर दिल में हमेशा वही तस्वीर होती है जो पहली झलक में बनती है। इसीलिए तो फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हाँ, अगर तुम्हारा फर्स्ट इम्प्रेशन सही नहीं पड़ा तो तुम उसे सुधार सकते हो, पर फर्स्ट इम्प्रेशन की छाप तो दिल पर ज़रूर छप जाती है। लड़कियाँ दिल से सोचती हैं, वो लड़कों की तरह दिमाग से नहीं सोचती। तुम अपने दिमाग से उसे इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारे बढ़िया लाइंस बना कर जाते हो और उसके सामने धड़ाधड़ डायलॉग्स बोलना शुरू कर देते हो, पर जब तुम बहुत जल्दी जल्दी अपनी बातों को उसके सामने रखते हो तो वो समझ नहीं पाती, और बाद में तुम्हारे बातों को एक एक करके अपने दिल में दोहराती है और वो कोई डिसीजन ले पाती है। लड़की उसे अगर अपनी मर्जी की चीज़ें चाहते हो तो उसके सामने एक ही बात रखो, जब उसका रिप्लाई मिले तो ही उसके सामने दूसरी बात रखो। लड़के गैप में सोचती हैं, जब उन्हें खाली वक्त मिलता है तब वो तुम्हारे बातों पर कोई डिसीजन लेती है। तुम्हें अपने दिमाग को भी शांत रखना है और उसे ऐसी बातें करनी है जिस पर उसे ज़्यादा सोचना ना पड़े, जिसका जवाब वो बिना सोचे समझे दे सके। जब लड़की तुम्हारे साथ हो तो उससे हल्की फुल्की बातें करो, मस्ती मजाक की बातें करो। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लड़की तुम्हारे बारे में सारा दिन सोचती रहे तो जब तुम अलग हो रहे हो तो उससे कोई मुश्किल सवाल पूछो जिस पर उसे सोचना पड़े। जैसे मान लो तुम स्कूल में पढ़ते हो तो सारा दिन उससे हंसी मजाक करो, हल्के फुल्के टॉपिक पर बातें करो। जब छुट्टी होने वाली हो तो उससे कोई मुश्किल सवाल पूछ लो, वो अपने खाली वक्त में तुम्हारे बारे में सोचेगी और अगले दिन उसका जवाब देगी। लेकिन होता इसके उल्टा है, लड़के सारा दिन मुश्किल से मुश्किल बातों को डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम को सुलझाने में बिजी होते हैं, और जब वो अलग होने वाले होते हैं तो बाय करके बिछड़ जाते हैं। जानते हो, जब लड़की के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं तो वो उन सवालों को दफन कर देती है, वो उनके बारे में सोचती भी नहीं, वो मेंटली उस इंसान से दूर होने लगती है जिसके बहुत सारे सवाल का जवाब उसके देने हैं। तो बहुत ज़्यादा फास्ट मत जाओ, उसे टाइम दो, खुद को टाइम दो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। लड़की पटाने के साइकोलॉजी का लेक्चर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्राइवेट वीडियो देखो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय बहुत 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 ही अच्छा हो। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।